नहीं लगता है, जहाँ फायदा रहता है वही आप रहते हैं। बेटे को विधान पार्षद बनाना था तो राजद के साथ थे, फिर पलटी मार दी। देखिए कई एक बारी के ये सब बेतुकी बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो MLC हुआ है वो सातवां पास है कि आठवां पास है, वो क्या जो तक कृपा के कौन बात है। अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया, अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए उसमें MLC उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष MA है, PhD है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंती जी बैठे हुए हैं, दानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए। और ठीक है हम तो थे NDA में ही, हर तरह से प्रतिष्ठा थी, प्रधानमंत्री बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते थे। अभी इंडिया राइजिंग का चल रहा था वहाँ दिल्ली में, हम 3rd फ्रंट में बैठे हुए थे, वही कुकुट बांध के बारे में उन्होंने चर्चा शुरू किया कि हम बिहार के लिए किया जो 24 करोड़ में था अब 300 करोड़ में होने जा रहा है, हमने उसको किया, देखिए जीतन मांझी बैठे हुए हैं उन्हीं का राज का, सब लोग देखने लगा कि कौन जीतन मांझी है। तो कहने का मेरा मतलब हमको हर तरह से सम्मान था, लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई जो NDA नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है, इसलिए वहाँ गए। और जिसमें MLC उन्होंने बनाया कोई दया उन्होंने नहीं की, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया, यही आज से आप लोगों को समझना चाहिए। जी नब्बे के दशक से है, आपको अभी पता चला। सर एक बात बताइए कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अभी नहीं सोचा है हमने, हमने कहा है ये बात को भी जान लीजिए कि अभी पहले कहा था, एक शब्द को याद रखिए कि हमने कहा था कि बचपन से हम सिद्धांत पर चलने का प्रयास किया है, और जिस राजनीति में जिस समय हम आए थे हमने कहा था कि 75 वर्ष के उम्र तक सक्रिय राजनीति यानी चुनाव के राजनीति में लोगों को रहना चाहिए, 75 वर्ष की उम्र के बाद चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हम 75 वर्ष क्रॉस कर गए हैं, वैसी परिस्थिति में हम 80% अपने को यही सोच रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जमहूरियत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है, राज्य हित है, जिस दल में हम लोग गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं उनका क्या विचार है, इस पर विचार करके आगे निर्णय लेंगे, लेकिन अभी यही है हम अपने मन से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। कुशवाहा जी आ रही हैं आपके साथ? अब ये बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम 2 दिन से बाहर थे, आज आए हैं, क्या यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति है इसकी जानकारी हमको नहीं है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से जी सरकार के अलग थे, उस समय कई तरह के आरोप थे सरकार के ऊपर, बेरोजगारी मुद्दा रहा, दलितों को का शोषण आपने मुद्दा बनाया, कई तरह की चीजें, क्या लग रहा है कि आप जब जदयू में मिलने जा रहे हैं तो ये मुद्दा जितना मांझी के लिए सक्रिय रहेगा ये बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा? देखिए कोई भी मुद्दा को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है, जब बाहर रहता है आदमी तो बोल करके फांस निकालता है, लेकिन जब साथ होता है तो मिलजुल करके विचारों उपरांत अगर कहीं कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो हम नीतीश जी के साथ और NDA के साथ इसलिए आए हैं कि कहीं कोई बातें ऐसी होगी जो जनता आजकल उसको नहीं समझती है या कहती है कि ये गलत बात है, उन बातों पर विचार करके हम ठीक रास्ते पर चलें, इसका भी प्रयास हम करेंगे।